नागरिकों ने यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए काटोल मार्केट ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों और मनसे अधिकारियों ने गोलीबार चौक से चिटनेस पार्क तक एक जन जागरूकता यात्रा का आयोजन किया। दौरे के दौरान सड़क किनारे के दुकानदारों को निर्देश दिया गया था कि वे फुटपाथों पर सामान रखे बिना ट्रैफिक जाम को कम करें। मनसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने यातायात नियमों का पालन करने और ट्रैफिक की कमी को कम करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता यात्रा का आयोजन किया। शहर के यातायात में ड्राइवर और पैदल यात्री असुविधा को कम करने के लिए शोलीबार चौक से चिटनेस पार्क तक जागरूकता यात्रा निकाली गई। जन जागरूकता अभियान के दौरान सड़क के किनारे के दुकानदारों को दुकान के सामने फुटपाथ पर रखे सामान को कम करके ट्रैफिक जाम को कम करने के निर्देश दिए गए थे। यात्रा के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से विनम्रता पूर्वक फुटपाथ पर रखे सामान को हटाने का अनुरोध किया। मनसे कार्यकर्ताओं और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने यातायात भीड़ का ख्याल रखा। इस जन जागरूकता यात्रा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर अध्यक्ष विशाल पड़गे, जनहित पार्टी के प्रदेश सरचिटनेस महेश जोशी, मनसे के जिलाध्यक्ष हिमाल रिजवी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, मनसे कार्यकर्ता कुशाल मटेकर और अन्य मनसे कार्यकर्ता शामिल थे। नागपूर मध्ये जी रहदारी जी समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे, नागपूर मध्ये गाड्यांचं प्रमाण वाढत चाललं आहे, त्याच्यामुळे रहदारीला खूप समस्या होत आहेत, त्याच्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही त्रास होतोय, पादचाऱ्यांनाही त्रास होतोय, त्याच्यामुळे आम्ही ही मोहीम हातामध्ये घेतली। याच्यामध्ये आम्हाला वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय जाधव साहेब यांचं फार सहकार्य मिळालं आहे आणि आमची हीच इच्छा आहे की बा नागपूरचं ट्रॅफिक सुधारायला पाहिजे आणि आम्ही त्याच्याप्रमाणे प्रयत्न करतो आहे की नागपूरचं ट्रॅफिक हे रेग्युलराईज झालं पाहिजे, सगळं व्यवस्थित झालं पाहिजे, ज्याच्यामुळे कोणालाही त्रास होणार। आम्ही गोळीबार चौकापासून चिटणीस पार्कपर्यंतचा पहिला रस्ता घेतला आहे, त्याच्यामध्ये जे काही यश येईल त्याच्याप्रमाणे आम्ही हळूहळू सगळ्या नागपूरला कव्हर करणार आहे। सगळ्या नागपूरमध्ये रहदारी जी समस्या आहे ती लवकरात लवकर सुटली पाहिजे याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत। कार्यकर्ता कुशल मोंडेकर और उनके कार्यकर्ता जो लोग हैं, इन लोगों ने एक मुहिम निकाले है ट्रैफिक के मार्फत। ट्रैफिक के हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, कुछ इनके मार्फत एक मुहिम निकाले हैं गोलीबार से चिकनी पार तक। जितने भी फुटपाथ पे दुकानदार जो सामान रखते हैं अपने फुटपाथ पे और दुकान के बाहर, इनको निवेदन कर रहे हैं हम कि ये अपने दुकान के अंदर रखें अपना सामान और फुटपाथ खाली करें, किसी भी प्रकार के वाहन यहाँ न रखें क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत बड़ी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, NBC News नागपुर।